आईपीएल सीजन 17 का फाइनल 26 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलकाता और हैदराबाद का सामना कुल 27 बार हो चुका है। इस दौरान केकेआर ने 18 बार जीत दर्ज की है, जबकि 9 बार एसआरएच ने जीत हासिल की। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में लगेगा अमेरिकी बैंड का तड़का। चेन्नई में खेला जाएगा आईपीएल सीजन 17 का फाइनल। वर्ल्ड फेमस रॉक बैंड इमेजिन ड्रैगन्स परफॉर्म करने के लिए तैयार है। बैंड के लीड सिंगर डैन रोनाल्ड्स ने इस बात की पुष्टि की। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी शिमरोन हेटमायर पर पड़ी बीसीसीआई की मार। आउट होने के बाद हेटमायर ने स्टंप पर निकाला था गुस्सा। हेटमायर और आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट में लेवल 1 का दोषी माना गया, जिसके बाद हेटमायर पर 10% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने दिया आईपीएल चैंपियन पर बड़ा बयान। मैथ्यू हेडन ने बताया कि फाइनल से पहले केकेआर को आराम करने का मौका मिला, फाइनल में हैदराबाद के खिलाफ जीते गए। सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व हेड कोच टॉम मूडी का बड़ा बयान सामने आया। टॉम मूडी का कहना है कि आने वाले समय में टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं अभिषेक शर्मा। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने खुद को लेकर बड़ा खुलासा किया। अय्यर ने बताया कि वनडे वर्ल्ड कप के बाद मुझे पीठ में दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले पाया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि भारत में स्पीड गेंदबाजों को देखकर लोगों की लार टपकनी शुरू हो जाती है। गावस्कर के मुताबिक भारत में स्पीड गेंदबाजों से ज्यादा संदीप शर्मा जैसे चालाक गेंदबाजों की जरूरत। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया भरेगी उड़ान। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल फाइनल से पहले टीम इंडिया पकड़ेगी अमेरिका के लिए फ्लाइट। अमेरिका के लिए रवाना होने वाली टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी शामिल। श्रीलंकाई क्रिकेटर और राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर कुमार संगाकारा का कहना है कि भारतीय टीम का कोच बनने के लिए उनके पास समय नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमार संगाकारा ने बताया कि बीसीसीआई ने मुझसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में लौटे इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर पारिवारिक कारणों से पहले मैच में नहीं थे टीम का हिस्सा। जॉर्पा आर्चर की एक साल बाद इंटरनेशनल टीम में वापसी, आर्चर ने अपना आखिरी T20 मुकाबला पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।